दोस्तों टाइपिंग का काम है, और इस टाइपिंग के काम में सिंपली आपको इमेज दिया जाएगा और इमेज में जो भी लिखा हुआ है इस पेज में वो सारा आपको नोटपैड में लिख देना है, ठीक है। अब एक पेज के ऊपर यहाँ पे मिल रहे हैं 180 रुपये, और एक प्रोजेक्ट में 20 पेजेस नॉर्मली होते हैं, तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर आपको 3,600 रुपये मिल जाते हैं। जितने प्रोजेक्ट्स आप ज़्यादा करोगे, जितनी टाइपिंग आप ज़्यादा करोगे, यहाँ पर आपको अर्निंग भी करनी है उतनी ही ज़्यादा। देखिए जो भी मिस्टेक्स रहेंगे उस पेज में, उन मिस्टेक्स को आपको सुधारना नहीं है, कोई ग्रामेटिकल आपको चेक करना नहीं है, उसमें कुछ भी गड़बड़ी है तो वो आपको सुधारनी नहीं है। जैसे आपको दिख रहा है वैसे आपको टाइप करते जाना है बस, और कुछ नहीं, कुछ अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम काम करना है घर बैठे, और आप ये काम जो है ना अपने मोबाइल से भी कर सकते हो अगर आपको मोबाइल से टाइपिंग करना आता है तो, ठीक है। अब देखिए इस वेबसाइट में रजिस्टर करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चल जाएगा, आपकी टाइपिंग स्पीड कम है तो भी चल जाएगा, आपके हिसाब से आप जितना टाइप करते हो, अगर आप पूरे महीने में एक प्रोजेक्ट भी टाइप करते हो तो कोई बात नहीं है, आप जितना टाइपिंग करेंगे उतनी आपकी अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 19 जनवरी तक ही ये एप्लीकेशन जो है वो ओपन है, आप एप्लीकेशन जो है वो 19 तारीख तक कर सकते हो, 19 के बाद ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो अभी चल रहा है 6-7 तारीख, तो आप 19 से पहले एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन कैसे करना है, वेबसाइट में आपको काम क्या करना है, कैसे करना है, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में रहेगी। एक डेमो देख लीजिए कि कितना सिंपल ये काम होने वाला है, मैंने एक डेमो वर्क को डाउनलोड करके लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन में दिखा देता हूँ कि डेमो वर्क होता क्या है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फोल्डर्स है जिसमें एक डेमो वर्क इमेजेस बताया गया है और कंप्लीटेड वर्क बताया गया है, ठीक है। डेमो वर्क इमेजेस को मैं ओपन करता हूँ, कुछ ऐसे आपको इमेजेस मिलेंगे, sample 1, sample 2, sample 3, sample 4, sample 5 JPG फॉर्मेट में ये इमेजेस रहेंगे। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे ये इमेजेस रहेंगे, देखिए इस तरीके से वो इमेजेस रहेंगे। इन इमेजेस में जो भी इंग्लिश में ये लिखा हुआ है इसको सिंपली आपको टाइप करना है, आपको यहाँ पे करेक्शन कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी आपको गलत यहाँ पे वर्ड दिख रहा है ना तो उसको आपको सुधारना नहीं है, जैसे कि तैसे आपको टाइप कर देना है। टाइपिंग आप करेंगे नोटपैड में, और नोटपैड का फाइल जो है ना वो देखिए कंप्लीटेड वर्क में आपको दिखाई देगा, sample 1 TXT, sample 2 TXT, sample 3 TXT। आप अपने मोबाइल में भी नोटपैड का फाइल क्रिएट कर सकते हो, सिंपली आपको वो इमेज देख के टाइपिंग करना है, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं है, मोबाइल से कर सकते हो। एक मोबाइल में वो फाइल ओपन कर दीजिए, दूसरे मोबाइल में टाइपिंग कर लीजिए, आप अपने भाई का बहन का मोबाइल ले सकते हो और ये काम कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये सैंपल वन में जो भी फोटो में था ना वही सब लिखा हुआ है, बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के, किसी फॉर्मेटिंग के, आपको कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, सिंपल लिखते जाना है बस, ये सब लिख दिया है इसमें, इसको सेव कर दिया sample1.txt करके, और ये फोल्डर जो है ना इसको सिंपली आपको करना होता है जिप फाइल। तो आप मोबाइल में एक ऐप आता है जिप करने का, उसको इस्तेमाल करके आप जिप फाइल कर सकते हो, और कंप्यूटर में तो सीधे आपको उस फोल्डर के ऊपर जाना है और सेंड टू कंप्रेस जिप करके कर देना है, तो ये आपका जो काम है वो खत्म हो गया। इस फाइल को कर दीजिए सबमिट, खत्म। इतना आपको काम करना होता है, पूरा सिर्फ टाइप करना है, उसको जिप करना है, अपलोड कर देना है, ठीक है। अब देखिए आपको कौन सी वाली वेबसाइट पे जाना है ना, उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मैंने देके रखा हुआ है, पर बाकी की डिटेल जो है ना वो देख लीजिए कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद देखिए दोस्तों आपको एक सिंपल एग्जाम देना पड़ेगा, तो जो भी एग्जाम है ना उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा, सारी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे वो एग्जाम होने वाला है, कैसे आपको फोल्डर्स क्रिएट करना है, कैसे आपको टाइपिंग करना है, डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू कर देता हूँ। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जो भी ऑनलाइन वर्क्स है ना उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो इस वेबसाइट का नाम है देखिए दोस्तों hiringglobal.com। इस वेबसाइट में आप ईबुक टाइपिंग का काम एज अ टाइपिस्ट कर सकते हो, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है, आप एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम, और फुल टाइम में भी कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, आपको है ना कितना अर्निंग होगा ना वो एक बार जान लीजिए कि बाकी के लोग कितनी अर्निंग कर रहे हैं। तो पेमेंट प्रूफ यहाँ पे दिया गया है, हर साल देखिए पेमेंट प्रूफ यहाँ पे ये लोग अपलोड करते रहते हैं, तो 2017 से लेकर अभी 2023 तक के पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने अपलोड किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्लिक ईयर के ऊपर क्लिक करके मैं जो लोग अर्निंग कर रहे हैं फिलहाल, तो 2023 में जिन्होंने अर्निंग किया है उनका डेटा पूरा आ चुका है यहाँ पे, तो पूरा डेटा यहाँ पे आ जाता है। देखिए अंकित रूपोदे करके है, इसने 54,000 की अर्निंग की हुई है, और फिर उसके बाद देखिए रीना कुमारी करके 18,000 की अर्निंग है, फिर 25,000 की, 28,000 की, 14,000 की। तो जितने वो प्रोजेक्ट करते हैं उतनी अर्निंग उनकी हो जाती है। अर्निंग जो है आप अपने गूगल पे से ले सकते हो, फोन पे से ले सकते हो, या फिर आप बैंक ट्रांसफर ले सकते हो, या फिर चेकबुक से भी यहाँ पे DD चेकबुक से आप यहाँ पे पेमेंट ले सकते हो। वी आर रिक्रूटिंग टाइपिंग फ्रीलांसर्स, मतलब टाइपिस्ट की ज़रूरत है।
टाइपिस्ट मस्ट हैव ओन कंप्यूटर और लैपटॉप, वी कैन प्रोवाइड लैपटॉप ऑन रेंट आफ्टर रिक्रूटमेंट। का मतलब क्या है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो ये कंपनी आपको रेंट पे लैपटॉप दे सकती है। रेंट कितना रहेगा वो जो आपको बाद में डिस्कस हो जाएगा, पर वो रेंट जो पे करना है वो आप अपने प्रोजेक्ट के इनकम से पे कर सकते हो। आपको प्रोजेक्ट जैसे ही मिल जाता है ना तो उसमें से रेंट कट करके आपको फाइनल अमाउंट जो है वो मिल सकता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आप फ्री में इस वेबसाइट में रजिस्टर कर सकते हो, टाइपिंग का काम ले सकते हो। यहाँ पे दो प्लान्स है, एक तो फ्री वाला जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और दूसरा है आपको 500 रुपये पे करने पड़ते हैं एग्जाम फी के तौर पर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 500 रुपये पे नहीं करने हैं, फ्री में रजिस्टर करना है, तो आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप डायरेक्टली यहाँ पे फ्री में रजिस्टर कर सकते हो और एग्जाम भी दे सकते हो, वो भी फ्री में। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग का जो कोर्स है वो 80% एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, और जो पेजेस जो है आप यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे अनलिमिटेड काम आपको मिल जाएगा। ठीक है, अनलिमिटेडली आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, और एक प्रोजेक्ट में लगभग मिनिमम 20 पेजेस तो रहते ही है पर प्रोजेक्ट में, तो आपको यहाँ पे 180 के हिसाब से लगभग 3,600 रुपये एक प्रोजेक्ट के ऊपर अर्निंग हो जाती है। ठीक है, और आपकी एक्यूरेसी उस प्रोजेक्ट में 80% की होनी चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट है, अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कैसे करना है सारा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जिन लोगों को भी फ्री में यहाँ पे अर्निंग करनी है ना, फ्री में रजिस्टर करके वो एक बार देख लीजिए। और मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि 500 रुपये पे मत करिए, क्योंकि आप में ना जिसको टाइपिंग का ज़्यादा अनुभव नहीं होता है वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देता है। आपको ठीक ठाक को देख के अपलोड करना रहता है, आप जल्दबाजी में वो कर देते हैं ना, क्योंकि काम सिंपल है तो लोग क्या करते हैं फटाफट कर देते हैं और अपलोड कर देते हैं। भाई आपको टाइम मिलेगा, आप आसानी से आराम से टाइपिंग कर रही, एक बार आपको काम मिल गया ना तो बाद में आप मिस्टेक कर दीजिए चल जाएगा, पर काम मिलने से पहले आपको मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, देखिए ज्वाइनिंग मेथड में आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, विदाउट एग्जाम फीस में सेंड योर टाइपिंग कोर्स सर्टिफिकेट टू, आपको इस ईमेल एड्रेस पे आपका टाइपिंग का सर्टिफिकेट है ना वो भेज देना है। ठीक है, वंस अवर टीम चेक योर सर्टिफिकेट, उनकी टीम आपका सर्टिफिकेट चेक करेगी, एक्यूरेसी 80% होनी चाहिए उसमें। उसके बाद आपको एक अप्रूवल कोड मिलेगा, एक कोड मिलेगा नॉर्मल, वो कोड आपके पास आपको रखना है। ठीक है, उस कोड को एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डाल देना है। ठीक है, एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप देख सकते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर डालना है, फोन नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, आपका जो एड्रेस है वो डाल देना आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अप्रूवल कोड लिखना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ये वाला है फ्री वाला रजिस्ट्रेशन, इसमें सिर्फ आपको एक अप्रूवल कोड की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको इस ईमेल एड्रेस पे सबसे पहले आपका जो सर्टिफिकेट है उसका आप फोटो खींच के अपलोड कर दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद अप्रूवल कोड आपको एक दिन या फिर दो दिन में मिल जाएगा, और फिर वो कोड यहाँ पे डालना है आपको और अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो ये नॉर्मल जो है वो फ्री में आप रजिस्टर कर सकते हो। देखिए 19 तारीख का लास्ट डेट है, उसके पहले आपको ये काम करना है, और जैसे आप यहाँ पे अपलोड कर देते हो ये डिटेल, उसके बाद आपको 2 से 3 दिन के बाद एक मेल आ जाएगा, उस मेल में आपको एग्जाम का पूरा डिटेल पता चल जाएगा। फिर उस एग्जाम में नॉर्मली आपको एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आपको एक ऐसा फोल्डर मिल जाएगा जिसको आपको डाउनलोड करना है, उसमें डेमो वर्क इमेजेस करके एक फोल्डर रहेगा, और उस फोल्डर के अंदर आपको ऐसे कुछ इमेजेस रहेंगे, उनको आपको ओपन करना है, उसमें जो भी लिखा हुआ है उसको टाइप करना है। ठीक है, देखिए जैसे आप यहाँ पे अप्लाई विथ एग्जाम फीस UPI ट्रांसफर का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको एक QR कोड आ जाता है, इसको स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हो, 500 रुपीज़ है एग्जाम का फी, नहीं तो आप यहाँ पे सिंपली इस बटन के ऊपर क्लिक करके भी डायरेक्टली 500 रुपये पे कर सकते हो, और पे करने के बाद आपको यहाँ ना ट्रांजेक्शन ID मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सारा चीज़ डालना है, जेंडर, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एड्रेस लाइन आपका पूरा एड्रेस, और हैव यू सेंट पेमेंट प्रूफ टू exam@hireinglobal.com, अगर आपने यहाँ पे ईमेल सेंड किया है तो यस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, और UPI ट्रांजेक्शन ID जो है ना वो यहाँ पे आपको डालना है, ट्रांजेक्शन ID आपको जो मिलेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों घर बैठे टाइपिंग करके अगर आपको अर्निंग करनी है तो पूरी डिटेल मैंने इस वेबसाइट के बारे में आपको बता दी है, जिन लोगों को रजिस्टर करना है कर सकता है, जिनको नहीं करना है कोई बात नहीं, अगर आपको कोई दूसरा काम करना है तो मेरे वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं जिनमें अलग अलग तरीके की अर्निंग आपको मैंने करके दिखा दी है, अलग अलग तरीके की वेबसाइट से जहाँ पर आप सिंपल काम करके भी अर्निंग कर सकते हो, कुछ वेबसाइट ऐसी है जहाँ पर आप सिंपली मोबाइल के एप्लीकेशन से अर्निंग कर सकते हो, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हो, मैं चैनल का नाम है प्रूफ क्या है, नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही।